हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा और हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो बड़े ही इजी वे से आपको समझा दूंगा देखिए इम्पल्स टर्बाइन में क्या है ऑल द हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय अ नोजल तो इसमें हम एक नोजल लगाते हैं नोजल से जो एनर्जी है हाइड्रोलिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं और ये जो काइनेटिक एनर्जी है यूज होती है टर्बाइन को रोटेट करने में तो ये काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है इस चीज का ध्यान रखना तो सारी की सारी है हाइड्रोलिक एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर ली तो ये पॉइंट हो गया ये है इंपल्स ट्रबाइन में ये वाला तो इसमें क्या है Only some amount of available energy is kind converted into kinetic energy तो कुछ ही हिस्सा होता है जो reaction turbine में energy का वो kinetic energy में change होता है बाकी जो हमारे पास एनर्जी है वो एक्चुअली क्या है प्रेशर एनर्जी यूज करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे एक टर्बाइन बना लू इस तरह से रिएक्शन टर्बाइन बना लू तो यहाँ पे रिएक्शन टर्बाइन इस तरह से दिखती है तो मैं इस तरह से एक बना लेता हूँ टर्बाइन तो यहां से आउटर है तो पानी यहां से एंटर हो रहा है तो पानी यहां से एंटर होके अंदर आएगा और रनर को रोटेट करेगा तो इस तरह से आप समझेंगे तो ये जो रोटेटर रोटेट कर रहा है वो एक्चुअली प्रेशर एनर्जी के कारण रोटेट करता है इसकी प्रेशर एनर्जी के कारण ना कि काइनेटिक एनर्जी के कारण किसमें रिएक्शन ट्रमाइन में आगे चलते हैं तो इम्पल्स टर्बाइन में रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस इसमें लेस मेंटेनेंस है हमें रिएक्शन में ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसमें में ने 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 है। देखो, इसमें क्या है ये इंपल्स में था डिग्री ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन इज बिटवीन जीरो टू वन अब डिग्री ऑफ रिएक्शन को मैं अलग से डिटेल वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा इसके बारे में अभी के लिए एक बार इसके हम याद कर लें अलग से एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर आपको मिल जाएगी देखिए नेक्स्ट है इट नीड्स अ लो डिस्चार्ज ऑफ वाटर तो हमें क्या है यहां से डिस्चार्ज ऑफ वाटर क्या मतलब क्या है कि कितना पानी पर सेकंड बाहर आ रहा है कितने मीटर क्यू पर सेकंड इसको पानी की जरूरत पड़ेगी वो कम है इसमें तो लो डिस्चार्ज की जरूरत है इसमें क्या है मीडियम या हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है और इसमें नेक्स्ट चलते हैं वाटर फ्लो इज टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द टर्बाइन इसकी जो देखिए ये जब यहां पे स्ट्राइक करेगा पानी तो ये स्ट्राइक करने करने की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होगी ठीक है वो टेंजेंशियल होगी तो यहां से जब एंटर करेगा पानी तो वो टेंजेंशियली इसको अटैक करेगा इस तरह से टेंजन के इस तरह से लेकिन ये इम्पल्स में था लेकिन इसमें क्या होता है रेडियल या एक्सियल दोनों तरीके से वाटर जो है उसके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है टर्माइन के तो दो तरीके हैं इसके चाहे वो एक्सली एंट्री करे यहां से एक्सिस है ना ये एक्सिस है इसके तो इस एक्सिस से ये अटैक करे या वो रेडियली एंटर कर जाए यहां से रेडियली रेडियस के साथ या एक्सिस के साथ नेक्स्ट है इज हैविंग मोर हाइड्रोलिक एफिशियंसी इसमें हाइड्रोलिक एफिशियंसी ज्यादा होती है रिएक्शन टर्बाइन में जिसमें लेस एफिशिएंसी होती है लेकिन हाइड्रोलिक की बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये वाला भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मैंने वीडियो में समझाया था तो मैं आपको लिंक दे दूंगा तो आपको सारी एफिशियंसी अलग अलग समझ आ जाएगी उसमें तो नेक्स्ट है इम्पल्स टर्बाइन ऑपरेट्स एट हाई वॉटर हेड्स तो इसमें क्या है कि हाई हेड ऑफ वाटर होना चाहिए यहाँ पे इम्पल्स टर्बाइन में वाटर हेड ज्यादा चाहिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रखें ठीक है हाई हेड चाहिए हमें और इसमें मीडियम या लो हेड भी चलता है तो जो इम्पल्स टर्बाइन है उसमें फोर फिफ्टी मीटर हेड से भी ज्यादा हम हेड यूज कर सकते हैं ठीक है और इसमें हमारे पास लो हेड या मीडियम हेड टर्बाइन भी इसमें लो हेड यूज कर सकते हैं इस टर्बाइन में ठीक है तो ये हमारे पास इतना डिफरेंस नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम इज पेल्टन व्हील तो पेल्टन व्हील इसकी एग्जाम्पल है और रिएक्शन टर्बाइन हम, हमारे पास फ्रांसिस और कैप्लन ये टर्बाइन जो है वो रिएक्शन टर्बाइन की एग्जाम्पल है नेक्स्ट है फ्लो रेगुलेशन इज डन बाय मींस ऑफ नीडल वॉल्व फिटेड इन द नोजल तो हमारे पास नीडल वॉल्व होती है नोजल के अंदर तो उससे हम फ्लो का रेगुलेशन कम करना है पानी या ज्यादा करना है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं फ्लो रेगुलेशन इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ गाइडवेंस असेंबली तो यहाँ पे गाइडवेंस होती है तो रिएक्शन टर्बाइन में गाइडवेंस है और मेरे पास यहाँ पे इम्पर्स टर्बाइन में हमारे पास क्या है नीडल वॉल्व होती है तो उसको हम यूज करते हैं नेक्स्ट है द टर्बाइन इज ऑलवेज इंस्टॉल्ड अब दर रेस एंड देर इज नो ड्राफ्ट ट्यूब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लें कोई ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती इसको और ये टेल रेस से अबव हम लगाते हैं इसे और इसमें हमारे पास रिएक्शन टर्बाइन में इट इज जनरली कनेक्टेड टू द टेल रेस थ्रू अ ड्राफ्ट ट्यूब तो ये क्या चीज है मैं एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब यहां से पानी आता है हाई हेड आई जो ये देखिए पानी यहां से आ रहा है तो ये है मेरे पास मान लो और पानी यहां से मूव कर रहा है नीचे की ओर और, और आगे हमने नोजल लगा दी इस तरह से तो ये टर्बाइन है मेरे पास मान लो ये टर्बाइन है तो टर्बाइन से जो पानी निकल के यहां गिरता है तो उसको हम कहते हैं टेल रेस ये टेल रेस होती है टेल रेस तो यहां पे पानी गिरेगा तो इस इससे अब होना चाहिए और इसमें इम्पास टर्बाइन में हम ड्राफ्ट यू, नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन टर्बाइन में क्या है इट इज जनरली कनेक्टेड टू द टेर थ्रू ए ड्राफ्ट ट्यूब तो इसमें ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत पड़ती है किसमें रिएक्शन टर्बाइन में ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज करनी होती है देखिए हमें जब पानी ऊपर से आ रहा है हमारे पास तो उसमें एक हाई विलोसिटी होती है जब पानी अपना काम करके निकल जाता है ना टर्बाइन को रोटेट करने के बाद तो उसमें कानेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो उसकी कानेटिक एनर्जी कम करने के लिए एक ट्यूब यूज करते हैं जिसको हम ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं वो कुछ इस तरह की शेप की होती है कि एरिया आगे से बड़ा कर देते हैं एरिया आगे से बड़ा कर देते हैं और इसके कारण काइनेटिक एनर्जी कम होती है और प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट द टर्बाइन डज रन फुल एंड एयर हैज फ्री एक्सेस टू द बकेट तो टर्बाइन पूरी हमारे पास नहीं होती पानी से भरी हुई तो एयर का फ्री एक्सेस होता है इसमें ठीक है तो यहां पे वाटर कंप्लीटली फिल्स एट द पैसेज बिटवीन द ब्लेड एंड वाइल फ्लोइंग बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन डज नॉट डज वर्क ऑन द ब्लेड तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास रिएक्शन टर्बाइन में हमेशा पानी भरा रहेगा ये याद रखना तो यहां पे जब पानी आएगा तो अगर मैं ब्लेड्स इस तरह से शो, शो कर दूं इस तरह से तो ये पानी से हमेशा भरा रहेगा ये पानी से हमेशा भरा रहेगा ले, लेकिन यहाँ जो हमारे पास इंपलस्टर भाई है यहाँ पे कुछ हिस्से में मेरे पास पानी होता है बाकी में एयर होती है लेकिन ये हमेशा पानी से भरा रहता है तो न, लास्ट पॉइंट है वाटर इज एडमिटेड ओनली इन इन द फॉर्म ऑफ जेट्स तो हमारे पास देखिए जेट्स के रूप में हम स्ट्राइक कराते हैं तो यहां पे हम नोजल लगाते हैं जेट मारते हैं इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो यहां पे भी एक नोजल लगा सकते हैं यहां पे भी एक नोजल लगा सकते हैं इस तरह से अलग अलग जगह से हम पानी इसके अंदर एंटर करा देते हैं और स्ट्राइक कराते हैं पानी ठीक है ये हमेशा टेंजेंशियल होगा तो आपकी जो ये नोजल की जो शेप्स हैं वो यहां पे कुछ इस तरह से होंगी तो आप इस तरह से बना लेना ठीक है ताकि ये इसको आप दिखा सको। लेकिन इसमें क्या है तो ये देखिए कुछ हिस्से पे ये circumference के कुछ कुछ हिस्से हिस्से पे 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 तो स्ट्राइक करा लेकिन ये, ये पूरी सरकम पे अटैक करता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इम्पर्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में ये आपको याद करने एमसीक्यू में बहुत ही हेल्प होने वाली है इससे आपकी और एमसीक्यू में आपको कम से कम एक क्वेश्चन इसमें से दिखने वाला है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक करें इस वीडियो को और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी थैंक यू थैंक यू सो मच